नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरबी सीबीटी एचएसएम के अंदर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगले वीडियोस के अंदर मैं आपके लिए 2020 के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं उन पर चर्चा करेंगे, और 2020 के अंदर मैथ सब्जेक्ट के अंदर ही कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट होंगे और जिन पर हमें बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करके हमें एग्ज़ाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर ही ला सकते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन थे मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, छाट लिए हैं, और वो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसी वीडियो के बाद ही मैं इसकी PDF लिंक भी दूंगा आपको, ठीक है, जिससे आप इसको डाउनलोड कर सकें। ओके, और हो सके तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं ताकि आपके दिमाग में सेट रहे। और इन क्वेश्चनों को मैं बताने वाला ही नहीं हूँ, इन क्वेश्चनों को मैं एक सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ, ठीक है, जिसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ विद बोर्ड पर, ठीक है। किस पे समझाऊंगा? ऑन बोर्ड पर। तो आप देखते रहें और समझते रहें। देखिए, प्रश्नावली एक, वैदिक गणित है हमारे पास। वैदिक गणित में कई प्रकार के सवाल होते हैं। एक अधिगहन विधि है हमारे पास, एक अधिगहन पूर्वण विधि है, एक न्यूनयन विधि हमारे पास है, और निखिलम विधि है। कई प्रकार से गुणा, भाग, वर्गमूल ज्ञात करना, घनमूल ज्ञात करना, कई प्रकार की चीज़ें दे रखी हैं। लेकिन जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है मैंने वो सोच समझ किए हैं, और ये 2019 के लिए भी मोस्ट थे हमारे पास। ध्यान रखना, 2019 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, उनमें से काफ़ी क्वेश्चन मिल गए थे इसके अंदर से, ऐसे कैसे एग्जिट, और लगभग 90% से ऊपर क्वेश्चन इन्हीं के अंदर से मिल गए थे। और बाकी 2020 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, और आने वाले साल में जब 2021 का जो एग्ज़ाम लगेगा बोर्ड का, उसके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो देखते रहिए, वीडियो में से ना करें। देखें प्रश्नावली 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर 5, 7, 9, 13, 16 और 17। फिर 1.2 के अंदर 13 और 29। 1.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्नावली 1.4 में 1, 3, 7, 10, 19। और जिन लोगों के पास नई बुक है इस साल की, उसके अंदर क्या दे रखा है कि डायरेक्टली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 नहीं दे रखी है, उसके अंदर केवल एक प्रश्नावली दे रखी है और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो एग्जांपल में दे रखे हैं। तो उन लोगों के लिए गोल्डन चांस है। देखो, ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मैं ऑन बोर्ड पर लिख कर आपको समझाऊँगा, तो कोई किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है कि वास्तव में ये क्वेश्चन क्या था क्या नहीं है। ओके, क्वेश्चन में लिखूंगा कि ये क्वेश्चन है, उसका मैं आंसर आपको करवाऊंगा। प्रश्नावली दूसरी, वास्तविक संख्या है हमारे पास, उसमें 2.1 के अंदर चौथा, 2.2 में पहला, 2.3 में फर्स्ट। फिर इसके एग्जाम्पल में आ जाओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर जो एग्जाम्पल होते हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आते रहते हैं वो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, 1, 2, 3, 4, और इसकी प्रमेय भी आती रहती है इसके अंदर, 2.4। 2.4 के अंदर देखो, अनरूट 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला है, तो अनरूट 2, अनरूट 3, अनरूट 5, अनरूट 7 वो है, और पूर्णांक संख्याओं वाला है वो सारा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। फिर इसकी विविध भी हमारे पास, 1, 4, 9, 15, 17, ठीक है। फिर प्रश्नावली 3, ये बहुपद वाली हमारे पास, 3.1 का पहला, 3.2 का चौथा, 3.4 का दूसरा, तीसरा, 3.5 का 1 और 4, ठीक है, फिर पहला और चौथा, ठीक है। फिर आ जाइए आप 1.6 में, 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4, ये हम निकालेंगे बढ़िया तरीके से, देखते जाइए। फिर आ जाइए आप प्रश्नावली 4 के अंदर, प्रश्नावली जो 4 दे रखी है, मैं इधर देखो, प्रश्नावली 4 है, इसमें 4.1 का दूसरा, चौथा, 4.2 का पहला, और इसका एग्जाम्पल नंबर 8, यह आपको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है इन पर। प्रश्नावली 5, प्रश्नावली 5 हमारे पास A.P यानी समांतर श्रेणी, ये है, इसमें 5.1 का पहला, 5.3 का 8वां और 10वां, और इसके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं जो बढ़िया है हमारे पास, जिनमें सभी मिक्सअप सवाल है वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। 1, 4, 7, 13, प्रश्नावली हमारे पास है 6, त्रिकोणमिति, इसमें 6.1 का आपको पहला, दूसरा, चौथा, 10वां, और उदाहरण के अंदर आपको 1, 2, 4, 6, 7, इन पर बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। प्रश्नावली 7 में आ जाइए, 7.1 के अंदर पहला, तीसरा, छठा, 7वां, और 7.1 से पहले आपको एग्जाम्पल भी दे रखे हैं,
ओके एग्जाम्पल जो दे रखे हैं इसके हमारे पास ही वो भी करने हैं, और 7.2 हमारे पास 1, 4, 6, 17 और एग्जाम्पल मैंने बताया आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा तेरहवा चौदहवा पंद्रहवा सोलहवा और 18वां, इन पर आपको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस ही करनी है। फिर आ जाइए आप प्रश्नावली 8 ऊंचाई और दूरी, प्रश्नावली का नाम ऊंचाई और दूरी। इसमें 8.1, 8.2 ऐसे नहीं, इसमें डायरेक्टली विविध प्रश्नमाला दे रखी है 8, विविध प्रश्नमाला 8। इसमें आपको देखो किस किस पर प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन नंबर 19, 17, 12, 24, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही बस संख्याएं चेंज कर देता है, तो आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है बढ़िया तरीके से। और इसके एग्जाम्पल जो है मैंने लिए हैं बढ़िया, पहला दूसरा तीसरा और 8वां, इन पर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रश्नावली आ जाइए आप 14 में देखो 14.1 ठीक है, इसमें आपको 1 और 7, फिर इसके एग्जाम्पल हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 8 और 10, इन पर आप लोगों को बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है। फिर आ जाइए प्रश्नमाला या प्रश्नावली 9 के अंदर, प्रश्नावली जो 9 है हमारे पास ये रही ठीक है, प्रश्नावली 9 निर्देशांक ज्यामिति है, बहुत बढ़िया प्रश्नावली है। दूरी सूत्र, सूत्र तो देखो सभी याद करने हैं आपको, प्रश्नावलियों में जितने भी सूत्र दे रखे हैं, चाहे दूरी सूत्र है इसके अंदर, चाहे विभाजन बिंदु ज्ञात करने के सूत्र है हमारे पास ही, चाहे मध्य बिंदु के हैं, चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल ही क्यों ना हुआ, ये सारे के सारे आपको याद करने बढ़िया तरीके से, ताकि एग्जाम में आपको एक बार सोचने पर ही उस वो सूत्र दिमाग में आ जाए और उसका आंसर हम आसानी से निकाल सकें। 9.1 के अंदर 7, 8, 11, 12, 13, 9.2 में 4, 5, 6, 11 और इसके एग्जाम्पल भी हैं, देखो ध्यान रखना एग्जाम्पल कैसे दे रखे हैं वो देखो, 9.1 से पहले तीसरा चौथा पांचवा और 9.2 से पहले पहला और दूसरा, ये एग्जाम्पल है, ये आपको बढ़िया तरीके से करने हैं। फिर आ जाइए आप विविध प्रश्नमाला, इसमें विविध भी दे रखी है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छाटे मैंने, जो बढ़िया सवाल जो एग्जाम की दृष्टि से बढ़िया है, पहला दूसरा तीसरा 9वां और 15वां। प्रश्नावली 10 में आ जाइए बिंदुपथ, इसमें 10.1 में 8वां, 10.2 में पहला और दूसरा। फिर उदाहरण में आ जाइए प्रमेय, 10.1 और 10.2, क्योंकि एग्जाम के अंदर इसमें से प्रमेय भी पूछी गई है कई बार, तो अब बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस आपको रखनी है इसके अंदर। फिर आ जाइए आप प्रश्नावली 11 समरूपता, इसमें देखो त्रिभुजों की समरूपता है, समरूपता के नियम आपको बढ़िया तरीके से याद होनी चाहिए। इसके अंदर 11.1 का पहला, 11.2 का पहला और तीसरा, 11.3 का 9वां, 11.4 का 1 और 6, बाकी एग्जाम्पल दे रखे हैं देखो कैसे, 11.1 से पहले आपको पहला और पांचवा, 11.2 से पहले 3, तीसरा जो एग्जाम्पल है 11.4 से पहले एग्जाम्पल नंबर तीसरा चौथा पांचवा और 10, इस पर बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी आपको। प्रश्नावली 12 यानी वृत्त, 12.1 में पहला, 12.2 में छठा सातवां, 12.4 में पहला दूसरा तीसरा और चौथा, 12.4 है 12.3 ये ध्यान रखना, ये बढ़िया प्रश्नावली है। फिर 12 जो प्रमेय हमारे पास 12.1, 12.3, 12.6, 12.8, 12.3 के जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो आपको बढ़िया तरीके से करने हैं, और 12.4 से पहले देखो एग्जाम्पल दे रखा है हमें 1 और 2, उसको बढ़िया तरीके से देख कर जाना है एग्ज़ाम में, ताकि एग्जाम में आए तो उसको बढ़िया तरीके से हमें कर सकें सोल्व। प्रश्नावली 13 है हमारे पास वृत्त एवं स्पर्शी रेखाएं, उसमें 13.1 में आपको दूसरा तीसरा, 13.2 में क्वेश्चन नंबर 2 और अब प्रमेय पर आ जाइए कि उसमें प्रमेय दे रखी है, प्रमेय 13.2 और उदाहरण 1 और 2, इन पर बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। फिर आ जाएगी प्रश्नावली 14 ये रही हमारे पास, इसमें 14.1 के अंदर आपको केवल पहला और सातवां, इन पर बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लो हमारा काम हो जाएगा। उदाहरण हमारे पास है पहला दूसरा तीसरा चौथा आठवां और 10वां। फिर आ जाइए आप प्रश्नावली 15 के अंदर, प्रश्नावली 15 में देखो 15.1 का दूसरा, 15.2 का सातवां, 15.3 का तीसरा आठवां 9वां और 10वां, फिर दे रखे हमें एग्जाम्पल, ये जो 15.1 से पहले एग्जाम्पल है पहला दूसरा, 15.2 से पहले एग्जाम्पल है 1, 3, 5, 6 और 15.3 से पहले भी हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं 11वें और 12वें, इन पर आपको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस ही करनी है। और अब मैं मिटा देता हूँ ये वाला,
ताकि अगली जो प्रश्नावली है उनके भी मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बता सकूं। ये लीजिए प्रश्नावली 15 तक हो गया हमारा, 15, 16, 17 और 18 इनके बताने हैं आपको। ओके, फिर आ जाइए आप ही, प्रश्नावली हमारे पास है 16, प्रश्नावली 16 है भाई। आपको पीडीएफ लिंक देना है ना, उसके लिए मैंने इसमें डाउनलोड कर रखा है वो सारा का सारा, फ़ोटो खींची डाउनलोड कर लिया, अब आपको पीडीएफ लिंक दे देंगे बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। प्रश्नावली जो है हमारे पास है 16, समझना, प्रश्नावली 16। इसका जो नाम है हमारे पास वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, ये लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें आपको 16.1 भी दे रखी है, 16.2 भी है आपके पास, 16.3 का भी है और 16.4 का भी है। सबके क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिन पर आपको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है। 16.1 में देखो पहला और दूसरे पर प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको यहाँ पर पहले और 17 पर, यहाँ पर एक पर, और यहाँ 16.4 में आपको नवा क्वेश्चन है। फिर इसके एग्जाम्पल भी हमारे पास उदाहरण नंबर 1, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13 और 14 इन पर बढ़िया तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, तो आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस ही करें। फिर आ जाइए प्रश्नावली 17, प्रश्नावली 17, इसका नाम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, सांख्यिकी है हमारे पास केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ये इसका नाम। इसमें देखो आपको 17.1 हो गया, फिर 17.4 है, फिर 17.7 है, फिर 17.8। इन पर आपको देखो कौन कौन से क्वेश्चन पर बढ़िया तरीके से आपको प्रैक्टिस ही करनी है। 17.1 का पहला क्वेश्चन, 17.4 का पहला और सातवा, और 17.7 का पहला और 17.8 का सातवा, इन क्वेश्चनों पर आपको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस ही करनी है। फिर आ जाइए आप, प्रश्नावली आपके पास है 18, प्रश्नावली 18, जिसको सब जानते हैं क्या नाम है उसका, प्रायिकता। इसमें देखो 18.1, एक ही प्रश्नावली दे रखी है 18.1 या प्रश्नावली 18, उसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 6, 9, 10, 11 इन पर बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करके जाएं, और उदाहरणों की बात करें कि कौन कौन से एग्जांपल जो आप बढ़िया तरीके से निकाल कर जा सकते हो, वो आपके पास है पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, आठवां और दसवां, क्योंकि एग्जांपल ज़्यादा आते हैं इसके अंदर, क्वेश्चन कम एग्जांपल ज़्यादा आते हैं, तो इन पर बढ़िया तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करके जाओ, गारंटी है इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। इन पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप अगर वीडियो पर पहली बार आएँ तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी पढ़ाई के जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक एग्ज़ाम से पहले सही टाइम पर पहुंच जाए, और आप लोग उसका सही, उसको सही यूज़ में ले सकें, और एग्ज़ाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर आप ही ला सकें। आपने हमारा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।